हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको ऑपरेटर्स का यूज करना ही पड़ेगा। तो यहां पर पाइथन की जो ट्रेडिशनल आइडियली है इसको मैं ओपन कर लेता हूं और इस पर आपको बताता हूं कि किस ऑपरेटर की बात आज हम करने वाले हैं। तो यहां से न्यू पेज दे देता हूं। आपको पता है कमेंट लगाने के लिए पाइथन के अंदर हम हैश लिखते हैं। यहां पर हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उन सबके बारे में बात करेंगे। तो आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसमें आता है प्लस। ठीक है, आपने प्लस का नाम तो सुना ही होगा, जोड़ने के लिए हम लोग प्लस का यूज करते हैं। दूसरा जो है माइनस है, तीसरा जो है वो है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए यहां पर स्टार लिखा जाता है। ठीक है, और चौथा जो है वो है डिवाइड। तो डिवाइड के लिए हम लोग स्लैश लिखते हैं इस तरीके से। और फिर आता है एक और जिसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, यहां पर दो बार डिवाइड लग जाता है और ये कहलाता है फ्लोर डिवीजन। अब डिफरेंस क्या होता है अभी हम लोग क्लियर करेंगे इसको। फिर यहां पे कॉमा लगाते हैं। फिर अगला जो ऑपरेटर है उसका नाम है एक्सपोनेंट। तो यहां पर ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट यानी पावर। ठीक है, कॉमा लगाते हैं। और इसके बाद एक ऑपरेटर है जिसे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं, यानी ये रिमाइंडर बताता है। तो अभी अगर आप यहां पर कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब यहां पर पहली वैल्यू हो गई 10 और दूसरी वैल्यू हो गई 2। यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रिंट और यहां पे क्या करते हैं डबल डॉट कॉमा में लिख देते हैं द रिजल्ट इज a प्लस बी। अब ये हमने लिख दिया है, अब इसको चलाते हैं, एक बार देखते हैं कि चलाने से क्या होता है। फाइव करते हैं, यहां पे एंटर प्रेस करते हैं और इसे सेव करेंगे अर्थमेटिक के ही नाम से। तो अरिथमेटिक कर देते हैं यहां पर, डॉट पीवाई तो रहता ही है नीचे, तो हो ही जाएगा। तो यहां पर आ गए। अब यहां पर देखिए रिजल्ट 12 आ रहा है, यानी हम एड कर रहे हैं तो रिजल्ट 12 आ रहा है। ठीक है, ये एडिशन ऑपरेटर है। यहां पर एडिशन ऑपरेटर यानी इसे अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर माइनस करते हैं, देखिएगा यहां पर माइनस कर दिया तो ये क्या करेगा, ये जो है सब्ट्रैक्ट करके बताएगा। तो देखिए यहां पे ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 10 में से 2 माइनस कर रहा है। ठीक है, यहां से एक बार अब क्या करते हैं, यहां पे अब जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के साथ ही आपको पता लगेगा कि 10 टू जा कितना होता है, 20 होता है। तो यहां पर 20 आना चाहिए, तो इसको चलाते हैं देखते हैं 20 आता है या नहीं आता है। तो यहां पर 20 आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है यहां पर डिवाइड ऑपरेटर है। तो जो डिवाइड ऑपरेटर है वो किस तरीके से काम करता है, डिवाइड ऑपरेटर। तो डिवाइड ऑपरेटर के लिए हम यहां पे डिवाइड का साइन लगा देंगे और ये जो हमें आंसर देगा, पॉइंट पे भी आंसर दे सकता है ये। तो यहां पे देखिए ये 5.0 दे रहा है, यानी डिवाइड करने पे जो आपका आएगा वो 5.0 आएगा। इसके बाद जो है फ्लोर डिवीजन की बात करते हैं। तो फ्लोर डिवीजन हमेशा इंटीजर में रिजल्ट देता है। अगर मैं 2 की जगह 3 करूं तो भी आप देखेंगे कि इंटीजर में ही जाएगा, मतलब ये पूरा पॉइंट तक जाएगा ही नहीं। तो 3 या 9 हो जाएगा और केवल 3 ही ये आंसर में आएगा अगर मैं डिवाइड करता हूं तो। और इसको चला देता हूं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देखिए यहां पर ये 5 आ रहा है, देख रहे हैं। तो ये 2 5 10 हो जाएगा, तो ये 5 आएगा। अगर मैं यहां पे हटा के इसे 3 कर देता हूं तो आप देखिए यहां पे 3 3 9 पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट तक नहीं जाएगा ये, और ये 3 3 9 ही देके रह जाएगा। लेकिन यही चीज अगर डिवीजन ऑपरेटर रहता है तो यहां पे देखिए ये पॉइंट तक ले जाएगा इसे। देखिए ये 3.3333 करके आ रहा है और लास्ट में 5 आ रहा है। तो इस तरीके से ये हो रहा है। तो डिवाइड में और फ्लोर डिवीजन में अंतर होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम सीधा सीधा एक्सपोनेंट की। तो ये हो गया एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट का मतलब कि 10 पे पावर 3। तो 10 जा कितना होता है 100 और 110 जा कितना होता है तो 1000। ठीक है, तो यहां पर F5 करता हूं, चलाता हूं, देखिए कितना आ रहा है 1000 आ रहा है। तो ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर रहा। अब बात करते हैं मॉड्यूलस की। ठीक है, तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑपरेटर। और मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है ये क्या काम करता है, ये रिमाइंडर बताता है। क्या बताता है, रिमाइंडर। तो यहां पे आप 5 करते हैं, एंटर करते हैं, तो भाग देने के बाद कितना शेष बचेगा वो ये बताता है। तो यहां पे देख सकते हैं सेम रिजल्ट आया हुआ है। तो जब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और लास्ट में रिमाइंडर तो 1 ही बचेगा। तो ये होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।